जीएसटी को लेकर दिक्कतों का सामना कर रहे छोटे व्यापारियों को केंद्र सरकार ने बड़ी राहत दे दी है। आपको बता दें कि जीएसटी से नाराज व्यापारियों और आम नागरिकों के लिए गुवाहाटी से बड़ी खुशखबरी आई है। जीएसटी काउंसिल की बैठक में 177 सामानों पर जीएसटी दर घटाने का फैसला कर लिया गया है। इसी चीज को लेकर, इसी बात को लेकर आजमगढ़ में, जो कि मुलायम का गढ़ कहा जाता है, इसमें व्यापारियों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। लोग एक दूसरे को मिठाई खिलाकर अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में करोड़ों मध्यवर्गीय परिवारों और व्यापारियों को जीएसटी में बड़ी राहत मिली है। आपको बता दें कि गुवाहाटी में हुई बैठक में सरकार ने व्यापारियों और आम नागरिकों के हित में कई निर्णय लिए हैं। दो दिवसीय इस बैठक पर उत्तर प्रदेश के कई छोटे व्यापारियों की निगाहें लगे थे। इस फैसले में क्या कुछ हुआ यह जान लीजिए। 228 सामानों पर जीएसटी दर घटाने का फैसला किया गया। 177 सामानों पर जिन पर 28% टैक्स लगता था, उन पर 18% टैक्स लगेगा। 50 बाकी सामानों पर 28% टैक्स लगेगा। रोजमर्रा के इस्तेमाल की वस्तुएं जैसे प्लास्टिक, लकड़ी के सामान सस्ते हो जाएंगे। डिओड्रेंट, टूथब्रश, शेविंग क्रीम, कॉस्मेटिक आइटम और शैम्पू सस्ते हो जाएंगे। आपको बता दें कि जीएसटी कम होने की सूचना जैसे ही छोटे व्यापारियों को लगी, उन्होंने मिठाइयां बांटकर मोदी का धन्यवाद किया। आपको बता दें कि मुलायम के गढ़ यानी आजमगढ़ में जीएसटी कम होने के बाद श्री कृष्णा चौखट पर लोगों ने मिठाई बांटकर मोदी को धन्यवाद दिया। बातचीत में कृष्णा सिंह ने बताया कि अगर जीएसटी कम नहीं होती तो छोटे व्यापारी पूरी तरह से खत्म हो जाते। यहाँ जो मोदी जी जो 28% जीएसटी लगाए थे उसके लिए अब 1% कर दिया। मोदी जी को हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं और हम लोग इससे बहुत खुश हैं। हम लोग जीएसटी के प्रति दिल्ली जाके अर्जुन मेघवाल से मिले थे और वित्त मंत्री अरुण जेटली से मिले थे और हम लोग शिवराज शुक्ला गोरखपुर से जाकर मिले थे। इसलिए जब जीएसटी कम हो गई, इसके लिए हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं मोदी जी को। और इससे हम लोग सभी लोग अभी अपने काम पर लग जाएंगे और लगेंगे,